बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह और इमाम हसन अली शाह से जुड़े कुछ किस्से। बम्बई के वजीर एसी रहमतुल्लाह को इस्माइली तरीके की तरफ कोई पेशरफ्त ना थी और तकरीबन मुनहरिफ हो चुके थे। ताहम इसने अपनी बीवी जैनबाई को जमात खाने जाने की इजाजत दी थी। डायमंड जुबली के दौरान 10 मार्च 1946 को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने मुख्तलिफ मेहमानियों में शिरकत की। इसकी बीवी ने इसे मेहमानी में शामिल होने की दरख्वास्त की, लेकिन उसने इसकी तरदीद कर दी। आखिरकार बेहद इसरार करने पे इसने अपनी बीवी की दरख्वास्त मान ली। वाड़ी बॉम्बे में मेहमानी के मौके पर जब अब्दुल हसन की मेहमानी का ऐलान हुआ कि ये अब्दुल हसन करीम की मेहमानी है, तो इमाम ने इसकी तरफ देखा। इसकी बीवी इसे कुर्सी के करीब ले आई। इमाम ने इसके चश्मे उतारे और कहा, मैं इसके आबाओ अजदाद के नाम जानता हूँ। फिर इमाम ने उंगलियों के इशारे पर इसके आबाओ अजदाद के चंद नाम गिनते हुए कहा कि इसके दादा अब्दुल हसन रहीम थे, इसके वालिद जैनुल आबदीन थे, और उसके वालिद राय रहमतुल्ला थे, और उसके वालिद फधू थे, और उसके वालिद पीरू दीवानी थे। इन सब ने दिल से मेरे घर की खिदमत की। अब्दुल हसन का शुमार पीरू दीवानी की 7वीं पुश्त में होता है, और वो भी दिल से मेरे घर की खिदमत करेगा। बेहतरीन दुआसीश खानाबाद खानाबाद। फिर इमाम ने इसे अपने पास बुलाया और अपने दस्त मुबारक इसके सर पर रखा। वजीर एसी रहमतुल्ला ने इस लम्हे को अपने अल्फाज में बयान किया है, मैंने बहुत ज़्यादा वजन महसूस किया, गोया मेरे सर पर पहाड़ है। मेरा सर गुलाम की तरह नीचे झुक गया जो अब तक खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं पसीने में भीग गया। मुझे कुछ याद नहीं रहा कि इतने से वक्त में क्या हुआ। वो अपने घर वापस आया और अपनी दादी से पूछा, जो कि तकरीबन नाबीना थी। इसने कहा, आगा खान साहब की उम्र तकरीबन 68 साल है और मेरे दादा 70 साल से पहले इंतकाल कर गए थे। उन्होंने मेरे दादा को कभी नहीं देखा था। वो मुझे और मेरे आबाओ अजदाद को कैसे जानते हैं? इसकी दादी ने जवाब दिया, तमाम आइमा नूर मौला अली अलैहिस्सलाम के अलमबरदार थे। वो कहती रही, जब इसने मंगनी की तो इनके दादा जिंदा थे और इनका एक पुराना डब्बा अभी तक अलमारी के नीचे मौजूद था। इसकी दादी ने इसे वो डब्बा लाने को कहा जिसमें एक पुराना लिबास था और एक बांस की छड़ी थी। इसकी दादी ने कहा, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे दादा की हैं। वो एक गांव से दूसरे गांव दसों इकट्ठा किया करते थे। जब जमा शुदा रकम 5,000 रुपये तक पहुंच जाए तब वो इसके सोने के सिक्के खरीदा करते थे, जिसको वो इस बांस की छड़ी में डालते और छड़ी के दोनों सिरों को बंद करके अपने गधे पर सवार होकर किरमान की तरफ चले जाया करते थे। वो 7 माह के खौफनाक सफ़र के बाद महलात पहुँचते थे। इसी तरह उन्होंने इमाम अबू हसन अली और इमाम खलीउल्लाह अली की खिदमत की। इस वाक़े ने इसकी सारी ज़िंदगी बदल दी और मजहबी बेदारी दी। अब ये इमाम की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म था। इसने जल्द ही मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देना शुरू की। इसकी तकरीरी इस्माइलिया इंडिया एसोसिएशन में ऑनररी सेक्रेटरी के तौर पर हुई। 1955 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसको खुलना बांग्लादेश जाकर क्रीसेंट जूट मिल संभालने का हुक्म दिया। वो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। इसने अपनी अहलियत और दानिशमंदाना इंतजामी सलाहियतों के साथ थोड़े ही अरसे में मिल की हालत बदल दी। इसको 1950 में आलीजा और 1955 में राय का लकब भी मिला और 1960 में पाकिस्तान का वजीर बन गया। 1 अप्रैल 1963 में इसकी वफात हुई और इसे जूट मिल के इहाते में दफन किया गया। मौलाना हाजरे इमाम ने 2 दिसंबर 1964 को खुलना में क्रीसेंट जूट मिल का दौरा किया और इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ी और इसे खिराज अकीदत भी पेश किया। किस्सा 2। बच्चा भगत कराची में रहने वाला एक इंतहाई आजज मोमिन था जिसका जरिया माश कुछ ज्यादा न था। चूंकि इसका चेहरा अंग्रेजों से मिलता था, इसलिए लोग इसको बच्चा जीन कहकर बुलाते थे।
मालाओं को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने के एवज जितने पैसे मिलते बस वो ही इसकी कुल आमदनी थी। बावजूद इसके वो दसून और सुबह की इबादत में पाबंद था। इसने इमाम हसन अली शाह और आगा अली शाह के साथ भी वक्त गुजारा। एक दफा इमाम हसन अली शाह ने इससे पूछा कि बच्चा, तुम्हारी बिनाई कम है, तुम कैसे कारोबार करते हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई तुम्हें नकली पैसे नहीं दे रहा? इसने जवाब दिया, या मौला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए कमाता हूँ। मुझे आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। आपकी रहमत और सहारे की बदौलत कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं अपनी कमाई आपकी रहमत की वजह से कर पाता हूँ। एक दफा इमाम हसन अली शाह से कराची में मुलाकात के वक्त इसने खूबसूरत सफेद कपड़े पहने थे। इमाम ने इसे खुश मिजाजी में फरमाया, बच्चा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि तुमने आज बेहतरीन लिबास पहना है। घर वापसी के बाद इसने कपड़े बदले और वो सफेद लिबास जमात खाने में दे दिया। जब किसी ने इससे इसकी वजह दरियाफ्त की तो इसने कहा, जो चीज मेरे मौला को पसंद है वो मैं कैसे इस्तेमाल करूं? बेहतरीन लिबास सबसे बेहतरीन हस्ती को ही जाना चाहिए। किस्सा सोम। 1910 में राजकोट हिंदुस्तान में एक दफा एक शख्स ने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से पूछा, मौला, 10 साल गुजर गए, अभी तक नूर नहीं दिखा, मुझे समझ नहीं आती, हालांकि बैतुल ख्याल की बंदगी बाकायदगी से करता हूँ। इमाम अलैह सलाम ने इसे मुख्तलिफ सवालात पूछे, जिसमें 3 वक्त की दुआ, दसून में पाबंदी और वालिदैन की खिदमत वगैरह शामिल थे। इसने सबके मुस्बत जवाबात दिए। फिर इमाम ने इससे पूछा, क्या तुम मेरी जमात की खिदमत करते हो? इसने बोला, मौला, मैं खिदमत नहीं कर पाता। इमाम अलैह सलाम ने इसका जवाब यूं दिया, इबादत और खिदमत मुतवाजी है, आपको इबादत को खिदमत से आरास्ता करना चाहिए तो आपको इबादत में बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। खाना वदान। किस्सा चहारम। 1930 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हसनाबाद बॉम्बे में दीदार के लिए तशरीफ लाए। इमाम स्टेज पर सीढ़ियों से चढ़ने लगे। जब इमाम सीढ़ी के तीसरे पायदान पर पहुंचे तो इमाम घुटने के बल झुक गए और आहिस्ता से ऊपर आए। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इमाम ने अपने दाहिने कंधे पर भारी वजन उठाया है। और फिर इमाम अपनी कुर्सी पर बैठ गए और तेजी से सांस लेने लगे। लीडर्स और जमात इमाम को हैरानी से देख रहे थे। और जब मुखी ने इमाम से पूछा कि या मौला, क्या बात है? इमाम ने जवाब दिया, एक मुसाफिरों से भरी कश्ती बॉम्बे के करीब से गुजर रही थी और डूबने वाली थी। जब मैं स्टेज पर चढ़ रहा था, मैंने कश्ती को कंधे से उठाया और ऊपर किया। दीदार के बाद मुखी ने इमाम से कश्ती को बचाने की वजह मालूम करना चाही तो इमाम ने फरमाया, मेरे 4 मुरीद इस कश्ती में थे और मैंने इसलिए इस कश्ती को बचाया क्योंकि ये मुरीद दसोंद में पाबंद थे। किस्सा पंजम। 1927 में एक फर्द ने इमाम की मेहमानी में इमाम से पूछा, या मौला, मेरे घर में बरकत नहीं है, इसकी क्या वजह है? इमाम ने इसे इसके खानदान और दुकान के हवाले से सवालात किए और वो उनके जवाबात देता रहा। चूंकि इमाम रूहानी तबीब भी हैं, इमाम ने फौरन इसकी परेशानी की वजह मालूम कर ली। इमाम ने इससे पूछा, क्या तुम दसून में पाबंद हो? इसने कहा, इमाम, मैं दसून अदा करता हूँ पर घर के भारी अखराजात की वजह से पाबंदी से अदा नहीं करता। इमाम ने इसे गौर से देखा और दूर रहने का कहा और दूसरी मेहमानियों में शमूलियत की। इसके बाद इमाम ने इसको बुलाया और अपनी छड़ी का मुड़ा हुआ हिस्सा अपनी गर्दन पे रखा और इस फर्द को छड़ी का दूसरा हिस्सा पकड़ने का कहा। इस मंजर को देख के जमात बेहद हैरान थी, चूंकि ऐसा मालूम हो रहा था कि इस फर्द के हाथ में इमाम की गर्दन है। इसके बाद
इमाम ने फरमाया, जो कुछ तुम दुनिया में कमाते हो इसमें से दसों निकालो, और अगर इसके बाद तुम्हारे घर में बरकत ना हो या तुम परेशानी से दोचार हो या कोई बीमारी हो तो तुम दुनिया में इमाम की गर्दन इस तरह पकड़ लेना।